फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी बाय प्रीत 06। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मोमोज़ की चटनी। मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, ये दोनों मिला के 50 ग्राम होंगे। 4 टमाटर लिए हैं हमने और 50 ग्राम के करीब धनिए के पीछे की डंडे, और 80 ग्राम लिया है हमने लाल मिर्च। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को मोटा मोटा कट कर लिया है, लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया की डंडियाँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चटनी बनाना। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। ये मेरा 80 ग्राम के करीब लाल मिर्च है, तो इसमें मैं 1.5 कड़छी तेल डालूँगी। अगर 50 ग्राम का बना रहे हो तो उसके लिए 1 कड़छी इनफ है। इसमें मैंने ये वाली कड़छी 1.5 डाली है, आप 1 डालिएगा और 50 ग्राम में। अब हम तेल गरम होने देंगे। अब हमारा तेल हो चुका है गरम। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक। इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा लहसुन अदरक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। 2 से 3 मिनट लाल मिर्च को पका लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और धनिया की डंडियाँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अजीनोमोटो, जिसे चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं। ये मैं 2 चम्मच ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप रेड कलर भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा दिखाई देगा। मेरे पास इस टाइम कलर है नहीं, तो मैं बिना कलर के ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, टमाटर को अच्छे से ऐसे करते रहेंगे पकाते टाइम, ताकि अच्छे से गल जाए टमाटर। फ्रेंड्स, मैंने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। 15 मिनट हुए हैं अभी हमें, 20 मिनट तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से पकाएंगे इसको, तो इसको थोड़े दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं पका होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी हो चुकी है एकदम ठंडी। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हम मिक्सी में इसको अच्छे से बारीक करके पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इस टाइम बहुत गाढ़ी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मोमोज़ की चटनी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।